नमस्कार, मैं रेनू आवले आप सभी का आज की तीन खास खबरों में स्वागत करती हूँ। ईडी ने नागपुर के उके बंधुओं को किया गिरफ्तार। ईडी ने नागपुर के वकील सतीश उके और उसके भाई प्रदीप उके को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक उके भाइयों को 6 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने सतीश के नागपुर स्थित घर पर छापेमारी कर 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप समेत कुछ कागजात जब्त किए थे। ईडी सतीश और उसके भाई को हिरासत में नागपुर स्थित ईडी दफ्तर में ले गए। वहां दोनों से शाम तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अधिकारी नागपुर के फ्लाइट से दोनों भाइयों को मुंबई लेकर आए और उन्हें पीएमएल कोर्ट के न्यायाधीश गिरीश गुरव के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया। ईडी के वकील हितेन बनेगांवकर ने अदालत के समक्ष सतीश और उसके भाई प्रदीप ने एक क्राइम लोकेशन पर 1.5 एकड़ जमीन खरीदी में फर्जी दस्तावेज और जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए उनकी 14 दिन की ईडी हिरासत की मांग की। उके के वकील रवि जाधव ने इसका विरोध किया और दलील दी कि दोनों को सामाजिक द्वेष की भावना से बिना कुछ बताए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। दूसरी खबर की ओर, जहां मुंबई में 32 राज्यों में 123 नए कोरोना मरीज मिले। महाराष्ट्र से सभी तरह के निर्बंध हटाने के एक दिन बाद राज्य भर में शुक्रवार को 123 कोविड के मरीज मिले। साथ ही पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य में 112 मरीज ठीक होकर घर लौटे। राज्य में इस समय 911 एक्टिव मरीज है। मुंबई में शुक्रवार को 32 नए मरीज मिले, जिसमें से सिर्फ 1 को अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी। राज्य में मृत्यु दर 1.87% है, जहां अब तक 77,25,451 मरीज कोरोना से उबर चुके हैं। देखते हैं तीसरी खबर, जहां भंडारा में एम्बुलेंस चालक ने की आत्महत्या। भंडारा जिले के कोंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेका पद्धति पर कार्यरत एम्बुलेंस चालक विकास उर्फ विक्की मेश्राम ने आत्महत्या कर ली। विकास की आत्महत्या की वजह से पूरे राज्य में 15 साल से 10,000 रूपए प्रति माह के मानदान पर काम कर रहे एम्बुलेंस चालकों के संगठन ने विकास की आत्महत्या के लिए सरकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया है। घटना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोंडा में फार्मासिस्ट क्वार्टर में हुई। नवजीवन एम्बुलेंस चालक वेलफेयर एसोसिएशन के जितेंद्र डोंगरे एवं अन्य पदाधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर एम्बुलेंस चालकों की बढ़ती आत्महत्याओं पर चिंता जताई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। मैं रेनू आवले लेती हूँ आपसे अलविदा और ऐसे ही तेज तर्रार खबरों के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है।